तो 70 रुपये पर वॉट रेट था, आज रेट हो गया है 37.50। 37.50 इस रेट पे आपको रुपए। एक पैनल भी मिल जाएगा। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, 37.50 से शुरू हो रहा है रेट। सही। तो ये लॉन्जी हीमो 6 का सोलर पैनल है, लॉन्जी हीमो X6 जो लेटेस्ट सीरीज है। सही। इसकी प्राइस पैनल है इन्वरक्स सोलर एनर्जी का। सही। इसकी तो ये इन्वरक्स का जो है लेटेस्ट वेरियन 2 सीरीज का इन्वर्टर है, 2023 का ये मॉडल है, और ये पाकिस्तान का सबसे हैवी इन्वर्टर है सिंगल बैटरी में। सही। अगर बैटरी क्योंकि महंगी हो गई है, 50,000 से बैटरी स्टार्ट हो रही है। सही। अगर कोई चाहता है जी मैं बैटरी पे खर्चा कम करूं और पैनल ज्यादा से ज्यादा लगा लूं, सही, तो सिंगल बैटरी पे सबसे हैवी इन्वर्टर है पाकिस्तान का। पहले हम बात करेंगे इन्वरक्स की एक्सट्रॉन सीरीज की। सही। ये इन्वरक्स का एक्सट्रॉन X2400 सीरीज का इन्वर्टर है। ये इन्वरक्स की बजट सीरीज है, डबल बैटरी है, इसमें आप दो बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं। 1 किलोवाट का ये इन्वर्स का UPS है, 5 फैंस प्लस 5 लाइट्स, 720 वाट का UPS है। ठीक है। XP प्रो 1200 मॉडल नंबर है। सही। 1 साल इसकी वारंटी है। इसका वेरियन 2 2524 मॉडल है, 2.5 किलोवाट का। सही। ये माशाल्लाह इन्वर्टर है, 6 किलोवाट का हाइब्रिड। इस पे आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, यानी बिजली बेच भी सकते हैं। सही। और लिथियम बैटरी भी इस पे सपोर्टेड है। सही। जो लेटेस्ट बैटरीज आ रही है इन्वर्स की। सही। तो इसके साथ इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, आप इस पे पानी वाली बैटरी भी लगा सकते हैं। सही। तो ये 2024 का इन्वर्स का मॉडल है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? शुक्र है अल्लाह का। आकिल भाई खैरियत से? अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा आकिल भाई, आपके पास ये इन्वर्टर हम देख रहे हैं, काफी सारे मॉडल रखे हुए हैं, सोलर भी रखा हुआ है, तो जरा इनके प्राइसेस के हवाले से हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि इनके प्राइसेस कम हुए हैं, आपके पास क्या प्राइसेस चल रहे हैं, जरा प्राइसेस के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहादुराबाद पे इन्वरक्स सोलर एनर्जी के ऑथराइज डीलर हैं। ठीक है। इन्वरक्स सोलर एनर्जी में पाकिस्तान का प्रीमियम ब्रांड है। ठीक है। आप किसी भी सोलर कंपनी में जाएं, वहाँ इन्वरक्स इज द सिंबल ऑफ क्वालिटी। सही। एंड सिंबल ऑफ गुड आफ्टर सेल सर्विस। यही एक चीज़ है जो हमें चाहिए होती है सोलर एनर्जी में, कि हम अच्छी चीज़ लें और कोई ख़राबी आई तो बाद में तो कंपनी जो है कोई क्लेम करने वाली मौजूद हो। सही है। तो बहादुराबाद में हमारा आउटलेट है शहीद मिल्लत रोड तारिक रोड पे। सही। हमारे पास इन्वर्टर्स का स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह इन्वरक्स का है। सही। तो इन्वरक्स की जो सीरीज है आज हम उससे आपको आगाह करेंगे कि कौन कौन सी किस्म के इन्वर्टर्स आते हैं, किस इन्वर्टर का क्या इस्तेमाल है, कहाँ इस्तेमाल है। सही। आपके घर में कितना इस्तेमाल है उसके हिसाब से कौन सा इन्वर्टर लगना चाहिए। सही। और इसके अलावा किस इन्वर्टर की क्या प्राइस है, अभी प्राइस क्या है, आगे प्राइस क्या होने वाली है, क्या हमें उम्मीद है, क्योंकि सोलर में प्राइसेस अनप्रेडिक्टेड होती हैं सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। ठीक है। फिलहाल जो है प्राइसेस पैनल में बहुत कम हुई हुई, सही, जितने अंदाजे थे कि जी रमजान में प्राइस है, इसके बाद बढ़ जाएगी, इसके बाद भी नहीं बढ़ी प्राइस। सही। क्योंकि सप्लाई बहुत आ गए पैनल में, और फिर पैनल में आजकल जो है कुछ क्या कहते हैं, कुछ बी ग्रेड और 2 नंबरी भी हो रही है पैनल में। अच्छा। उससे भी हम आपके व्यूअर्स को आगाह करेंगे कि जी सही जगह से सही चीज खरीदें। सही। ऐसा ना हो आपको कोई चीज 2 रुपए सस्ती तो मिल रही हो लेकिन वो उसकी कोई वारंटी ना हो, वो पैनल घर पे लग के टूट जाए। ये भी शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सस्ता माल लोगों ने चाइना से मंगवा लिया और जो मौजूदा नाम है कंपनीज के उन्ही नामों से, जिसको हम कहते हैं कॉपी बनवा ली। ठीक है। और वो उस मार्केट से कुछ कम रेट पे सेल कर रहे हैं कि जो सही पैनल है उसकी भी रेट, उसका रेट भी जाहिर सी बात है उससे कुछ ज्यादा है, तो आम आदमी जो है वो खरीद लेता है। सही। तो आप लोग इन चीजों से भी होशियार रहें, सही जगह से चीज खरीदें। तो आगाज करते हैं सोलर इन्वर्टर से। चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वरक्स की एक्सट्रॉन सीरीज की। सही। ये इन्वरक्स का एक्सट्रॉन X2400 सीरीज का इन्वर्टर है। ये इन्वरक्स की बजट सीरीज है। ठीक है। इसकी प्राइस है 45,000 रुपीज। ये डबल बैटरी है, इसमें आप दो बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं। 1 किलोवाट का ये? ये 1.6 किलोवाट है। 1.6 2.4 KVA। ठीक है। एक्सट्रॉन सीरीज है, इसी में इन्वरक्स का एक्सट्रॉन X1200 मॉडल भी आता है। ठीक है। वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह स्टॉक में आ जाएगा। उसकी प्राइस है सर जी 38,000 रुपीज। ठीक। इसका जो सिंगल बैटरी UPS है। सही। ये इन्वरक्स की एक्सट्रॉन सीरीज है, इसकी 1 साल वारंटी है। सही। आगे चलते हैं। ये इन्वर्स का UPS है, 5 फैंस प्लस 5 लाइट्स, 720 वाट का UPS है। ठीक है। XP प्रो 1200 मॉडल नंबर है। सही। 1 साल इसकी वारंटी है और इसकी प्राइस है 25,500 रुपए। सही। जी ये UPS है सादा, कि अगर लोड शेडिंग या फ्लैट है जहां सोलर नहीं लग सकता, UPS चाहिए तो ये सॉल्यूशन है। सही। आगे चलें तो ये इन्वर्स का जो है लेटेस्ट वेरियन 2 सीरीज का इन्वर्टर है।
2023 का ये मॉडल है और ये पाकिस्तान का सबसे हैवी इन्वर्टर है सिंगल बैटरी में। अगर बैटरी क्योंकि महंगी हो गई है, 50,000 से बैटरी स्टार्ट हो रही है। अगर कोई चाहता है जी मैं बैटरी पे खर्चा कम करूं और पैनल ज्यादा से ज्यादा लगा लूं, तो सिंगल बैटरी पे सबसे हैवी इन्वर्टर है पाकिस्तान का और इसकी अभी हाजिर कीमत है 73,000 रुपीज। जी बिल्कुल, इस पे आप 2000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं यार, और सबसे बड़ा पैनल 600 वाट का पैनल भी आ रहा है तो लगा लें। सही। जो एक्सट्रॉन सीरीज जो हमने आपको पहले दिखाई थी उस पे छोटे पैनल लगते हैं ज्यादा। सही। इस पे आप हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लगा सकते हैं और इसकी प्राइस जो है वो है 73,000 रुपीज। ठीक है, आगे चलें तो इनवरेक्स का वेरियन 2 2524 मॉडल है 2.5 किलोवाट का। सही जी, इसकी हाजिर कीमत है अभी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। जी हाँ, और इसके लिए आपको एक नई न्यूज दें कि इनवरेक्स के 2024 के मॉडल्स भी लॉन्च हो गए। अच्छा। 1.2 और 2.5 किलोवाट के। ठीक है, जिसमें जो है बिल्ट इन वाईफाई होगा। सही है। अभी तक इस जो वाईफाई सीरीज अभी जिन इन्वर्टर्स में आ रही है वो आ रही है 6 किलोवाट 8 किलोवाट। सही। तो 1.2 और 2.5 में किसी भी कंपनी ने वाईफाई लॉन्च नहीं की, महंगा पड़ता है। सही। इनवरेक्स इसी प्राइस में आपको इंशाल्लाह वाईफाई भी देगी। ठीक है, तो उसका स्टॉक भी इंशाल्लाह आने वाला है और उसकी प्राइस भी नई प्राइस इंशाल्लाह आएगी अगले हफ्ते, तो हम आपको उससे भी अपडेट करेंगे। और इस वक्त ये जो हाजिर मॉडल्स हैं इनकी भी हमने आपको प्राइस से आगाह कर दिया। ये 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पे 3000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। सही। और इसका इतना अच्छा माशाल्लाह चार्ज कंट्रोलर है, आप इसको 3.5 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं। अच्छा। जो मार्केट में 3 किलोवाट के इन्वर्टर है कहीं इससे भी उनसे कम नहीं है, आउटपुट की बात करें। ठीक है, आउटपुट के अलावा बात करें, क्योंकि असल चीज इनपुट होती है कितना सोलर लगा सकते हैं। सही। जितना आप सोलर लगा सकते हैं उसके हिसाब से आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो ये 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर, इस पे आप 6 पैनल 550 वाट वाले लगाएं और हमने लगाए हुए साइड्स पे माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। सही है, और इन्वर्टर में भी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं मेंशन करता चलूं कि ये इस पे जो है ना ये सामने लिखा हुआ भी है 5 ईयर्स वारंटी, तो इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, इसमें वारंटी में क्या क्या चीज है। सर 5 साल की इसकी टोटल वारंटी है जिसमें 2 ईयर्स प्रोडक्ट वारंटी है और 3 ईयर्स सर्विस वारंटी है। ठीक है, 2 साल तक इसमें कोई पार्ट खराब हो कंपनी रिप्लेस करके देगी आपको। ठीक है, कोई खराबी हुई कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सही करेगी। ठीक है, 2 साल के बाद कंपनी पार्ट्स के पैसे लेगी, सर्विस चार्जेस नहीं लेगी। ठीक है, इस तरह टोटल 5 ईयर्स वारंटी बढ़ती है और जो हम नेट या जेन्युइन वारंटी कहें तो वो 2 साल की है, 2 साल तक कोई खर्चा नहीं आपका इन केस कोई खराबी आए। ठीक है, अच्छा ये बताया आपने 2 कितने केवी के, 2.5 किलोवाट। ठीक है, और इससे जो मैक्सिमम कितने केवी का आता है इनवरेक्स में? इनवरेक्स में मैक्सिमम 136 किलोवाट का इन्वर्टर। अच्छा, आता है इंडस्ट्री नहीं, मतलब ये नॉर्मल जो आप हाउस होल्ड में यूज हो रहे हैं ना, 6 केवी हाउस होल्ड में देखें, 3 केवी 5 केवी 6 8 12। ठीक है, और अगर हम ऑन ग्रेड नेट मीटरिंग वाले सिस्टम की बात करें तो नेट मीटरिंग वाले सिस्टम में घर में 10 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक का सिस्टम लगता है। सही है, जो बिजली सेल करने वाला होता है 35 किलोवाट मैक्सिमम लगता है घर में, किसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तो। अदरवाइज घर में 10 से 20 किलोवाट ऑन ग्रेड लगता है, बैटरी वाला 3 से 12 तक। अच्छा, आखिर भाई एक चीज और बताइएगा, जैसे ये इनवरेक्स के इन्वर्टर हैं तो मार्केट में जैसे फ्रोनस के हैं, ज्यूरिच के हैं और कंपनीज हैं, तो इसमें जो है ना क्या बेहतरी मतलब पॉइंट है कि भाई बंदा इनवरेक्स की तरफ ही जाए, या उसमें फर्क क्या प्राइसेस के हवाले से बता दे थोड़ा कि यार उनके प्राइसेस के कंपेयर अगर करें तो उनके प्राइस ज्यादा है कम है, क्या हिसाब है? सर देखें, कंपनी का नाम लेके हम बात नहीं करेंगे। हाँ। हम मोटर बाइक्स पे बात करते हैं, तो आपने सुना होगा मैं ते होंडा ही लेसा। हाँ। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं हर फील्ड में हर प्रोडक्ट में जो क्वालिटी जिनका नाम होता है। ठीक है, ठीक है, उनकी प्राइस दूसरों से ज्यादा होती है। सही। लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है, बंदा एक कहते हैं ना एक बार रोए बार बार रोने से बेहतर है। अच्छा। एक बार आप ज्यादा पैसे खर्च करें अच्छी चीज लें तो कंप्लेन रेशो इनवरेक्स का मार्केट में सबसे कम है। सही। स्पेशली इनकी नाइट्रॉक सीरीज की बात करें तो ना होने के बराबर है। सही। बाकी जो मार्केट में कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे इन्वर्टर्स भी हैं, लेकिन बाज औकात बहुत सारी कंपनी सस्ते मॉडल लाने के चक्कर में क्वालिटी हल्की कर देती हैं। सही। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर एक दफा तो लगा लेता है, 3 महीने 6 महीने बाद फिर वो कंपनी से उसकी एक ऐसी दोस्ती होती है कि हर थोड़े दिन बाद कंपनी सर्विस सेंटर जाना पड़ता है उसको। अच्छा। तो इनवरेक्स जो है चाहता है कि आप एक दफा खरीद के हमसे बात भी ना करें। अच्छा। इनवरेक्स कथा ताल्लुक ही कर लेता है माल बेच के। अच्छा। दूसरी कंपनियां जो है ना वो आपसे दोस्ती रखती है कि हर थोड़े दिन बाद हमारे पास आते रहो, रिपेयर कराते रहो। अच्छा जी। सही। तो इनवरेक्स ऐसा नहीं कि इनवरेक्स कंप्लेन फ्री है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कंप्लेन आ जाती है, बाज़ोका नए इन्वर्टर में भी इशू आ जाता है, लेकिन वो उसका रेशो और परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, 95% सेटिस्फाइड क्लाइंट्स है। सही। दूसरी कंपनियों में ये रेशो इससे काफी कम होगा। ठीक है। तो अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें बैटरी वाले, तो तमाम सोलर कंपनीज की फर्स्ट चॉइस जो है वो इनवरेक्स होती है, अगर इनवरेक्स बजट में अवेलेबल हो।
क्योंकि इन्वेक्स के साथ एक इशू ये है कि इनकी इतनी डिमांड है कि अभी तक ये जो है ना वो सप्लाई बाज़ औक़ात पूरी नहीं कर पाते। सही, तो फिर दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ता है। जैसे अभी इन्वेक्स में 3 kVA एंड 5 kVA कोई अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह वो इस मंथ के एंड में आएंगे। सही है, तो जाहिर सी बात है फिर जब इन्वेक्स अवेलेबल नहीं होता तो फिर बाकी ब्रांड शेयर हो जाते हैं। सही, ये इन्वेक्स की नाइट्रोक सीरीज है। सही, ये पाकिस्तान का सबसे महंगा, अच्छा, सबसे ज्यादा बिकने वाला इन्वर्टर है। सही, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा बिकने वाला, इसकी ये खासियत है। 6 kVA जी, 6 kW अगर हम इन्वर्टर्स की बात करें तो 1,60,000-70,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं 6 kW के इन्वर्टर्स। सही, और ये इन्वर्टर 3,75,000 रुपए का है। सही, लेकिन उसके बावजूद ये सबसे ज्यादा बिकता है। अच्छा, इसकी वजह ये है कि इसके पीछे मेहनत हुई भी है, इसमें वो टेक्नोलॉजी है, वो पार्ट्स हैं जो दूसरों में नहीं है। मतलब वही ना, मैं तो होंडा ही लेता। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जितनी भी चाइना की बाइक्स हैं और होंडा को आप कंपेयर करेंगे तो उसके पार्ट्स में, उसकी क्वालिटी में, उसकी ऐसा ही फ्यूल एवरेज में फर्क है। मतलब आपकी मिसाल देने का मकसद ये है ना कि क्वालिटी है होंडा की। इसकी देखें आप, एक 12 पैनल एक नॉर्मल इन्वर्टर पे लगाएं और नाइट्रोक्स पे लगाएं, नाइट्रोक्स की जनरेशन कुछ बेहतर होगी उससे। सही, इसके अलावा इसमें डुअल MPPT है, आप 400 और 600 वाट दोनों के पैनल मिला के लगा सकते हैं। सही, वाईफाई मौजूद है, वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ है, आप छत पे भी लगा सकते हैं, आउटडोर पे लगाने की जरूरत। तो एक तो आप कह लें, जो अगर गाड़ियों की बात करें तो एक होती है करोला, एक होती है लैंड क्रूजर, दोनों एक ही कंपनी की हैं। सही, तो ये जो है वो प्रीमियम क्वालिटी है। सही, और इस वक्त बहुत अच्छी प्राइस में अवेलेबल है। सही है, अगर मैं कुछ टाइम पहले बात करूँ तो इससे काफी ज्यादा इसकी प्राइस थी। इसका नाइट्रोक 6 kW का इन्वर्टर है और ये 2024 का मॉडल है, लेटेस्ट अपडेटेड वेरियन सीरीज का। हमने आपको कहा इंशाल्लाह स्टॉक आना है, इसका स्टॉक आ गया है 2024 का। सही, ये माशाल्लाह इन्वर्टर है 6 kW का हाइब्रिड, इस पे आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, यानी बिजली बेच भी सकते हैं। सही, और लिथियम बैटरी भी इस पे सपोर्टेड है। सही, जो लेटेस्ट बैटरीज आ रही है इन्वर्टर की। सही, तो इसके साथ इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, आप इस पे पानी वाली बैटरी भी लगा सकते हैं। सही, तो ये 2024 का इन्वर्टर का मॉडल है, नाइट्रोक सीरीज। सही, सोलर के ऊपर आ चुके हैं, तो सोलर में आपको बताएं कि आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल्स अवेलेबल है, कौन कौन सी कंपनीज के, और प्राइसेस कैसे हैं आपके पास, क्योंकि सोलर के रेट तो आजकल मार्केट में इतना चल रहा है कि बिल्कुल गिर गए, क्रैश हो गई। तो कितनी गिरी है, कितनी क्रैश हुई है, क्या क्वालिटी है, जरा गाइड करें। सर जी, इसमें कोई शक नहीं, सोलर के रेट्स बहुत कम हो गए। सही, और अगर हम आज से 1 साल पहले की बात करें, जनवरी 2023 के शुरू की, या तो उससे आज जिस रेट पे पहले एक पैनल आता था, आज उस रेट पे 3 पैनल आ रहे हैं। सही, और क्वालिटी उससे अच्छी है। अच्छा, पहले 70,000 रुपये तक का एक पैनल पहुंच गया था, एक पैनल 550 वाट का। सही, आज वही 550 वाट का पैनल 22,000 रुपये पे आ गया, एक पैनल के बदले 3 पैनल मिलते हैं। सही, और 2024 की बात करें तो रेट आधा हो गया, जनवरी 24 में जो रेट था अप्रैल में आधा रेट हो गया। सही, तो 70 रुपये पर वाट रेट था, आज रेट हो गया है 37.50। इस रेट पे आपको एक पैनल भी मिल जाएगा। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, 37.50 से शुरू हो रहा है रेट। सही, तो ये मार्केट के हालात हैं। सही, और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ गई है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि चाइना ने ओवर प्रोडक्शन की। ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज ने चाइना की प्रोडक्शन बैन कर दी किसी वजह से। ठीक है, यानी जो चाइना ने पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्शन की थी वो अब कुछ मुल्कों तक महदूद रह गए, तो उसका फ़ायदा खुसूसन पाकिस्तानी आवाम को हुआ सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसकी वजह ये कि पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में जितना सोलर आया शायद दूसरे मुल्कों में उतना ज़्यादा ना गया हो, जैसे आजकल पाकिस्तान में हर बंदा जा रहा है सोलर लगा लें। इसकी वजह ये कि बिजली का रेट बहुत कई गुना महंगा है दूसरे मुल्कों से। सही, फिर चाइना पाकिस्तान में इसी तरह सोलर लगाने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए। सही, तो बहुत सारा माल चाइना से आ गया, यहाँ डिमांड उतनी नहीं हुई तो रेट कम हो गया। सही, इसकी कोई वजह यह नहीं है कि जी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और फ्लेक्सिबल पैनल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सरे के शीट पे पेपर सोलर पैनल बना के बैठ गए। फ्लेक्सिबल पैनल कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छा पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें यह कि जगह ज्यादा चाहिए होती है, प्रोडक्शन कम होती है। सही, और उसके अलावा अभी उस ताहल जो है किसी बड़ी कंपनी ने अभी पाकिस्तान में फौरी आने की उसकी कोई वो नहीं है, और वो आ भी जाए तो घर की छतों पे यही पैनल लगना है। वो पैनल लगता है दीवार पे, बिल्डिंगों में आपने अक्सर देखा होगा जी, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के चारों तरफ सोलर है। सही, या दीवार पे लगा रहे, जहाँ सोलर नहीं लग सकता वो वहां लगेगा। सही, फ्लेक्सीबल पैनल मैं बात करूँ, हम अपनी घर की छत पे खड़े हैं मिसाल के तौर, मैं जमीन पे तो नहीं बिछाऊंगा, उसके ऊपर चलना भी है, ठीक है, खेलना कूदना है, खराब हो सकता है।
यकीनन मुझे छत पे लगाने के लिए तो कोई शीट उसके नीचे चाहिए ना। इस पैनल में भी वही सेल की शीट है, आगे शीशा है बस प्रोटेक्शन के लिए। सही, ये कोई नई चीज नहीं है। वो उन्होंने इसको जो है वो फ्लेक्स वो बना दिया पोर्टेबल। सही, तो वो उन जगहों के लिए जहाँ सोलर नहीं लग सकता। सही है, लेकिन दूसरी बात अभी वो इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सही, एक चीज ये भी है ना कि इसमें हमें पता है कि यार अगर 580 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, हमें घर का लोड जैसे 6 KVA का है हमारा, तो हमें उसका तो अभी यही नहीं पता कि भाई वो जो अगर एक छोटी सी मैंने देखी है एक वीडियो में, उसमें वो उसके वोल्टेज क्या है, वो कितना पावर जनरेट कर रही है, कुछ पता नहीं। आप हम कराची शहर में, ये आपके यकीनन व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान में होंगे, तो आप लोग वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो कभी भी सोलर नहीं लगा सकते। आप अपने शहर की मार्केट में जाइए, मैं कराची में, आप पूरी मार्केट विजिट करें, आपको कहीं फ्लेक्सिबल नाम की कोई चीज नजर आती है? सिर्फ यूट्यूब पे नजर आ रही है वो। सही, क्योंकि उन्होंने कहीं से वीडियो निकाल ली और बस बना ली। सही, और अगर हम बात करें उसकी, किस किस चीज को रोए सर, लोगों ने तो चांद से पैदा होने वाले सोलर भी बना लिए। सोलर का मतलब होता है शमसी। सही, तो कह रहे हैं जी अब वो प्लेटें भी आ गई जो चांद की रोशनी में काम करेंगी, तो जिस दिन चांद होगा नहीं उस दिन वो काम ही नहीं करेंगे। सही है। और बाकी थोड़े अर्से पहले एक बॉल भी आ रही थी, बॉल गोल गोल घूम रही थी जो ये सारे सोलर को पीछे छोड़ देगी। सही। तो हर थोड़े टाइम बाद कोई नई चीज चाहिए यूट्यूबर्स को, क्योंकि आजकल लोग सोलर में इंटरेस्टेड हैं, सोलर की वीडियोस देख रहे हैं। सही। तो अगर वो नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, उनको वो वीडियो डालनी है कि जी बस यही चीज है। सही। तो हर वीडियो में कोई नई चीज लेके आनी है। सही है। तो इसके प्राइसेस वगैरह गाइड कर दें, जिनको एन टाइप का सोलर पैनल है। सही। 585 वाट्स इसकी प्राइस है, 41 रुपीस पर वाट। 41 रुपीस पर वाट। ये लॉन्ची हीमो 6 का सोलर पैनल है। सही। लॉन्ची हीमो X6 जो लेटेस्ट सीरीज है। सही। इसकी प्राइस है 40 रुपीस पर वाट। ठीक है जी, 40 रुपए पर वाट। सही। अच्छा। और ये 580 वाट का सोलर पैनल है। सही। आगे बात करें तो ये पी टाइप पैनल है, इनवर्क सोलर एनर्जी का। सही। इसकी प्राइस है 44 रुपीस पर वाट। ठीक है जी, इनवर्क टाइप है जी, ये पी टाइप है। इनवर्क्स का एन टाइप है 46 रुपीस पर वाट। ठीक है। इसकी वजह यह है कि इनवर्क्स वाहिद पैनल है जिसकी वारंटी पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा। दूसरे ब्रांड्स मिसाल, वैसे तो पैनल जो है वो तकरीबन खराब नहीं होता कोई भी कंपनी का। ठीक है। मैं इनवर्क्स की तारीफ के लिए किसी को बुरा नहीं कहूंगा, सारी कंपनी अच्छी है। लॉन्जी का पैनल है, जिनको का पैनल है, ये टॉप कंपनीज है वर्ल्ड की। ठीक है। पैनल खराब नहीं होता, खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो इसका क्लेम चाइना से मिलता है। सही। प्रोसेस है उसका एक लंबा। ठीक है। इनवर्क्स में एक कंपनी पाकिस्तान में मौजूद है, आप सर्विस सेंटर ले जाए, मसला हल हो जाएगा। अच्छा। तो जब कंपनी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसके एक चार्जेस भी होते हैं, और इनवर्क्स ब्रांड भी है। इनवर्क्स का पैनल कॉपी नहीं बन सकता, बी ग्रेड इनवर्क्स में पॉसिबल नहीं है। सही है। क्योंकि इनवर्क्स यहाँ मौजूद है, तो इसलिए इनवर्क्स की प्राइस कुछ अप होती है दूसरे पैनल से। उससे कम ही है मतलब। सर हम कोशिश करते हैं अच्छी प्राइस दें, लेकिन उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा रखा है और वो कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े होलसेलर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्राइस मतलब कि वो जहाँ 42 चल रहा है वहाँ 40 बता रहे हैं, मतलब 2 रुपए तकरीबन पर वॉट। सर प्राइसेस तो मुसलसल कम हो रही है फिलहाल, हो सकता है आपको एक हफ्ते बाद इससे भी कम प्राइस मिल रही हो। सही। हम कोशिश करते हैं जो हाजिर कीमत हो उसमें अपने अच्छे अच्छे 80 प्राइस दें, क्योंकि हम मार्केट में भी नहीं है, तो जो लोग हमारे पास आते हैं हम पे एतमाद करके आते हैं, कोशिश करते हैं उनको अच्छी प्राइस दें, ताकि जो है वो हमारे कस्टमर बेस जो हमारे कस्टमर से ताल्लुक है वो कायम रहे। आपको बैटरीज वगैरह भी होती है? जी बैटरीज भी अवेलेबल होती है। कौन सी वाली है? ये टॉल ट्यूबलर बैटरीज हैं, आपको मेरे पीछे नजर आ रही होंगी, हॉक कंपनी की बैटरी है। ओके। ये HT3500 मॉडल नंबर है, 300 एम्पीयर की ट्यूबलर बैटरी। सही जी, ये बैटरी एक आदमी नहीं उठा सकता। अच्छा जी, 80 किलो की तकरीबन बैटरी होती है, और इसकी प्राइस है जी 82,000 रुपए। और इसमें हमारे पास और रेंज भी है, HT1800 मॉडल नंबर है ये, 180 एम्पीयर जो नॉर्मल सिस्टम्स पे लगती है, ये तो बहरहाल स्पेशल सिस्टम्स पे लगती है जहाँ बैकअप ज्यादा चाहिए। सही। जो 180 एम्पीयर वाली बैटरी है उसकी प्राइस है 52,000 रुपए। 52,000 जी बिल्कुल। एक साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा। बैटरी की वारंटी दुकान से क्लेम होती है, खराब होगी आप हमें दे जाए पुरानी, हम कंपनी भिजवाएंगे, अगर या चार्जिंग से मसला हल होता होगा तो ठीक है, बैटरी रिपेयर नहीं होती, अगर खराब होगी तो कंपनी पुरानी लेके नहीं देगी। अच्छा। एक साल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, 3 साल लाइफ होती है। सही। अच्छा सर एड्रेस थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा इजीली ताकि लोग पहुंच जाएं। जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान एड्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स बहादुराबाद, मेन शहीद मिल्लत रोड पे। ओके। तारिक रोड अंडरपास, जो बहादुराबाद और तारिक रोड के दरमियान जो अंडरपास है, अगर आप जेल रोड से आ रहे हो जो पहला अंडरपास है उसके ऊपर हमारी दुकान है, दुबई इस्लामिक बैंक के बराबर में। सही जी। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0337 INVERX, 0337 4683739, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बिजनेस आवाज में हमसे रब्ता कर सकते हैं,
और अगर इन केस आपको रब्ता ना हो पाए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। और बहुत अच्छा लगा सर आप लोग आए, और एक बात मुझे आप लोग की ये अच्छी लगी कि आप लोगों ने कोई ऐसे कोशिश नहीं की कि हमारी वीडियो जो है ना वो ज़बरदस्ती ट्रेंडिंग हो जाए। नहीं नहीं, वो हम नहीं करते, हम कहते हैं जो ओरिजिनल चीज़ है ना वही आप बताएं, जो मार्केट में जो रियलिटी है ना वही बताएं, ऐसे हाइप क्रिएट करने की फिर वो क्या होता है कि कस्टमर अगर हम मैं बोलूंगा ठीक है 35 रुपये रेट बता दें तो आपको कॉल्स का फ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो झूठ है ना, फिर वो कौन है ना, तो आप उसको फिर बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो जाहिर सी बात है वो तो बात सही नहीं है। तो जो चीज़ चल रही है ताकि क्लाइंट जो है वो वाकई में जो लेने वाला है उसको फायदा हो, मकसद तो ये है वीडियो बनाने का, कि जो वीडियो वाकई में तलाश कर रहा है सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाह रहा है और वो वाकई तलाश कर रहा है कि यार क्या रेट चल रहे हैं और कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको मुनासिब प्राइस मिले, तो हमारा तो मकसद ये है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच वीडियो बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया।